स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ एफिशिएंटली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए देखो, क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का पेपर आप बहुत एफिशिएंटली करें और आपके 100% मार्क्स आए, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ और साथ साथ मैं आपको ये गाइड करूँगी कि आप कैसे एक प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, जो कि आपको मालूम ही है, बट स्टिल दिस इज फॉर विच एग्जाम आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज 2021 बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, बोर्ड्स फॉर क्लास 12 बायोलॉजी। स्पेसिफिकली मैं आपकी किसके बात कर रही हूँ, बायोलॉजी की। आप रिवीजन कैसे करेंगे एफिशिएंटली, आपको कैसे वर्कआउट करना है। चलो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट इट टुडे इटसेल्फ एंड मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, यू विल गेट 200% बेनिफिट इफ यू विल फॉलो दिस। चलो आपका हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में आपकी जो यूनिट है, एक तो सिलेबस बहुत कम हो गए हैं, 16 चैप्टर मर्ज हो गए, कितना 11 चैप्टर है ना। तो आपके जो फर्स्ट यूनिट है, दिस इज रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है, रिप्रोडक्शन वाली जो आपकी यूनिट है, दैट इज फॉर 14 मार्क्स, ठीक है, नोन टू ऑल ऑफ यू। सेकंड यूनिट है आपकी व्हाट, जेनेटिक्स, और ये जो जेनेटिक्स की यूनिट है, दिस इज फॉर 18 मार्क्स। नेक्स्ट यूनिट फॉर यू इज व्हाट, सीक्वेंस में मैं लिख देती हूँ, आपकी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, और जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है आपकी, दिस इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, एंड दिस यूनिट इज अगेन फॉर 14 मार्क्स। अच्छा, ये भी 14 मार्क्स की यूनिट है आपकी। और फिर आती है आपकी क्या, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आपकी 12 मार्क्स की यूनिट है। फिर लास्ट में आपकी क्या है, दिस ये इकोलॉजी, और इकोलॉजी भी आपकी कितने मार्क्स की यूनिट है, 12 मार्क्स की। तो चलो ये तो हमारा क्या है, डिवीजन। अब आप देखो कि इसमें कितने, हर यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं। अब आपने देखा कि जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपके, 3 लेसन्स। जेनेटिक्स में आपके सिर्फ 2 लेसन्स हैं जो कि आने वाले हैं। दिस इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में भी आपके 2 चैप्टर्स हैं जो कि एग्जाम में आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी आपकी पूरी आएगी, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। इकोलॉजी के भी हमारे 2 चैप्टर्स हैं। ये आपके क्या है, दिस इज व्हाट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका आ गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये है नंबर ऑफ चैप्टर्स, ये आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स है। ये मैं, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों करा, सिर्फ इसलिए कि सबसे पहले अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा है, सबसे पहले आप वर्कआउट करो कि सबसे इजी और स्कोरिंग पार्ट ऑफ सिलेबस क्या है, इजी एंड स्कोरिंग, ठीक है। अब इजी एंड स्कोरिंग के लिए देखो, अब आपको यहाँ पे समझ भी आ गया होगा क्योंकि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेन कॉन्फिडेंस, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इजी एंड स्कोरिंग, देन जस्ट नॉर्मल एंड स्कोरिंग, उसके बाद डिफिकल्ट एंड स्कोरिंग, है ना। तो आपको एक लेवल में तैयारी करनी है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा, मेरे हिसाब से अगर मैं इस सिलेबस को एनालाइज करूं, तो मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग
और इजी यूनिट आपकी क्या है, ये दो चैप्टर जिसमें आपका आता है ह्यूमन डिजीजेस वाला और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला। तो ये यूनिट जो है आपकी, दिस इज व्हाट इजी एंड स्कोरिंग। देखो इसका वेटेज क्या है, 14 मार्क्स। इसमें सिर्फ दो चैप्टर हैं और दोनों बहुत इजी हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बच्चे क्या करते हैं कि हमें जेनेटिक्स नहीं आती, हम जेनेटिक्स पढ़ें। अगर आपने कुछ तैयारी नहीं करी है, आप लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाए, कुछ प्रॉब्लम आई, आप ऑनलाइन आपको समझ में नहीं आया, तो भी आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि सबसे पहले इजी और स्कोरिंग आप तैयार करो। और ये आपका क्या है यूनिट, इस यूनिट में आपके 14 मार्क्स वेटेज है और सिर्फ दो चैप्टर है, पहले आप इस यूनिट को तैयार करो, ठीक है। अब सेकंड चीज आपको क्या करनी है, अब आपको नेक्स्ट देखना है कि क्या और इजी है। देन मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ कि अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहें तो दैट वुड बी गुड। तो सबसे पहले आप ये यूनिट तैयार करिए, कौन सी, दिस इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाली, ये इजी इन स्कोरिंग, दिस वॉन्ट टेक मच टाइम। ये मुश्किल से मुश्किल, बहुत अगर आप डिटेल स्टडी भी करोगे तो 10 days में, ज्यादा कह रही हूँ, ये 1 week में आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। देन यू शिफ्ट टू द अनदर यूनिट जो कि दिस, अब आप इस यूनिट का करो। इसमें 3 chapters हैं लेकिन इसका वेटेज भी 14 है, लेकिन ये थोड़ी इजी है और ये जल्दी आ जाती है ये वाली यूनिट, क्योंकि इसमें डायग्राम्स बहुत सारे हैं, तो आप डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके स्कोर इजी हो जाए। मुश्किल नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो सेकंड यू शुड गो फॉर दिस। अब आपने 28 मार्क्स की तो तैयारी कर ली, पास तो आप हो गए, मुझे तो आपको 100 मार्क्स दिलवाने हैं। चलिए अब आपने क्या करना है, अब आप सी जाइए किसमें, बायोटेक। बायोटेक में 2 chapters है, आपको अच्छे से आ जाएंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत, आपको जेनेटिक्स आती है तो आपको बायोटेक जल्दी से आ जाएगी। और दिस इज अगेन फाइन, ये मैं आपको पढ़ने का ऑर्डर बता रही हूँ। अब आपने 28 + 12 आपके आ गए 30 or 40 मार्क्स आपके आ गए, फाइन। अब आप क्या करो, इस यूनिट को तैयार करो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, अगर ये वाली यूनिट आपकी 10 days में हो गई है तो हो सकता है इसमें 20 days भी लग जाए अगर आप बहुत डिटेल करोगे, वरना 15 days में हो जाएगी आराम से, अगर पहले नहीं भी पढ़ी है तो भी। और लास्ट ऑफ ऑल ये बहुत, फिर आपको देखो यहाँ पर आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ गया, जैसे ही आपने सी में गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, क्योंकि जब अगर आप डीमोरलाइज हैं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, एफिशिएंटली तैयारी करनी है, यू हैव टू बी अ वेरी स्मार्ट वर्कर। और लास्ट में आप ये वाली यूनिट तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये इजी है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, फाइन। तो ये मैंने आपको एक क्या तरीका बताया कि हाउ वुड यू प्लान योर सिलेबस टू रिवाइज, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, और अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड में इस साल, देखो थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, आपने देख लिया होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है इस साल, तो ये हम देखते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि क्वेश्चन पेपर में डिफिकल्टी लेवल कितना होता है, आपको हमेशा डरना नहीं है, आपको ये देखना है कि अपने प्रिपरेशन के हिसाब से आपको कितने लेवल तक आप मार्क्स ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन पेपर आपका, मैं बात कर आ गई आपके किसकी में, क्वेश्चन पेपर, फाइन। पहले मैंने किसकी बात करी, आपके सिलेबस की बात करी कि आप सिलेबस को ऐसा डिवाइड कर लीजिए, ऐसा तैयार करिए। अब मैं बात कर रही हूँ आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, और
आप उस पेपर को कैसे अटेंड करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर में क्या है कि जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस वो डिवाइड रहता है, आप जो सैंपल पेपर बुक्स खरीदेंगे उन सब में भी ये लिखा हुआ है। ये दिस इज नथिंग न्यू विच आई एम टेलिंग यू, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। 50% क्वेश्चन पेपर आपका क्या होता है, नॉलेज बेस्ड, कि आपने कितना अंडरस्टैंड करा है, कितनी आपको नॉलेज है इस बात के ऊपर क्या करता है, दिस इज कितनी आपको नॉलेज है, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। कितना आप इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं जैसे डिफाइन, डिस्क्राइब, राइट समरी। देखो जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तो हम कहेंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो आपको नॉलेज है कि नहीं, है ना। आपको कहेंगे कि डिफाइन व्हाट आर इंटरफेरॉन्स, तो ये आपका क्या है, इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके जैसे डिफाइन, जैसे आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ये क्या होता है, ये इजी होता है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया आपको समझ में आ गया तो ये आपका इजी होता है। 30% क्वेश्चन पेपर होता है आपका क्या, एप्लीकेशन बेस्ड, कि जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया सिकल सेल एनीमिया के ऊपर या थैलेसीमिया के ऊपर, तो आपसे उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो एप्लीकेशन बेस्ड है ना। जैसे आपसे पूछ लिया कि जो डेजर्ट लिजर्ट है वो सन बेस्किंग क्यों करती हैं, आपने बताया कि अडेप्टेशन है, जैसे कि पोलर रीजन में छोटे एनिमल्स क्यों मिलते हैं, तो ये एप्लीकेशन है कि वॉट एवर यू हैव स्टडीड और जो भी आपके बुक में एप्लीकेशन है वो, प्लस दे माइट आस्क यू समथिंग एल्स आल्सो, और इसमें आपको डिफरेंशिएशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बेस्ड। और जो आपका 20% बेस्ड क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस, आप कितना किसी चीज को एनालाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं, That is what they want to check. और इसमें आपके आते हैं जैसे reason and assertion. अब आप question paper उठा के देखो, बहुत सारे reason assertion के question आते हैं। अब reason assertion में आपको क्या देखना होता है ना, मैं कराऊंगी आपको reason assertion कि आपको, आपके पास दो statement होते हैं, एक assertion और एक reason. Assertion normally एक fact होता है जो कि सही होता है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में आपको नॉर्मली सही देंगे, नीट के एग्जाम में तो हो सकता है कि इसमें कुछ लिटिल थोड़ी सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए, लेकिन एसर्शन क्या है, एक फैक्ट है जो नॉर्मली सही होता है। ठीक है, और उसका रीजन दिया होता है, देखो दोनों सेंटेंस के बीच में होता है बिकॉज, है ना। तो जैसे अगर आपसे कह दिया कि थैलेसीमिया इज बिकॉज ऑफ व्हाट, डिलीशन ऑफ जीन HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, तो ये थैलेसीमिया होता है उसमें RBC का नंबर कम हो गया, ये एक assertion है, और बिकॉज क्योंकि उसमें एक रीजन दिया होता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, दोनों सेंटेंस को अलग अलग पढ़ो, क्या ये दोनों सेंटेंस सही है, अगर आपको लगे हाँ ये दोनों सेंटेंस ठीक है तो आपने अपने मन में उनको ट्रू फॉल्स बना लिया। फिर सेकंड चीज आपको देखनी है कि क्या ये रीजन इस assertion का सही रीजन है या नहीं, दिस इज हाउ वी हैव टू डू। अब हम और प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे थोड़े एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें आपको डिस्कशन डिस्कस वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपको कि डिस्कस दिस। तो सबसे देखो ये तो हर बच्चा आराम से कर लेगा, दिस ऑल्सो, ये थोड़ा इसके लिए आपको ज्यादा
कोशिश करनी पड़ती है। तो ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि क्वेश्चन पेपर में यू हैव थ्री थिंग्स जो आपकी चेक करी जाती है, नॉलेज, एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट इज व्हाट, एनालिसिस। फाइन, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो आपके 2021 में क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें आपके कितने क्वेश्चन और कितने सेक्शन है, है ना। वैसे तो आप सबने देख ही लिया होगा बट स्टिल फिर भी ठीक है। अच्छा, और अब हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले क्या है, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्या है, क्वेश्चन नंबर वन से लेकर फ्रॉम सेक्शन ए में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 नॉर्मल स्टेटमेंट है, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कितने 1 mark क्या है इसमें, 1 mark ईच। और ये जो 1 mark के क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से आपके क्या होते हैं, रीजनिंग, आपको पिन पॉइंट आंसर लिखना है, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। फाइन, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन ए की बात कर रही हूँ, दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to आपका आ गया ऑलमोस्ट 14 तक, क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक, दिस इज व्हाट आई हैव चेक्ड। क्वेश्चन नंबर 1 से आपका कहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 marks के हैं, फ्रॉम 11 to 14 आपके क्या है, assertion and reason, ठीक है। ये आपके questions क्या है, assertion and reason questions है, ये आपको बहुत ध्यान से करने हैं और ये बड़े analysis वाले question होते हैं। फिर आता है आपका, this is section B, section B start, अच्छा इससे पहले भी आपका मैंने मिस आउट कर दिया, this is अब आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन जो कि पहले कम आया करता था, अब जो है पैसेज, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 and 16 में आपको क्या देंगे, पैसेज देंगे, ठीक है। और ये पैसेज वाले क्वेश्चन जो है ये 4 marks ईच, ये आपके पैसेज वाले क्वेश्चन है 4 marks ईच। और इस ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि चलो ये तो बहुत आसान है, ये इंग्लिश की तरह है, जैसे इंग्लिश में आपको पैसेज आता है आप कर लेते हैं, इसमें भी सेम ही है लेकिन आपको बहुत ध्यान देना है और बहुत थॉरली आप उसको 2 बार रीड करो, देन यू आंसर यू, जो एमसीक्यू है वो तो आप कर ही लेंगे, इसमें रीजन एसर्जन भी आते हैं, कभी कभी दे आस्क यू टू डिस्कस, अपने रिविजन में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब आता है आपका क्या, दिस इज सेक्शन बी। सेक्शन बी 2 marks के क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन है फ्रॉम 17 to 25, दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 to 25 और ये सारे क्वेश्चन कितने हैं आपके, 2 marks ईच। अब इसमें इन क्वेश्चंस में ज्यादातर आप देखना, जैसे आपको पूछ लिया कि हाउ इज ह्यूमन हाइट कंसीडर्ड एज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना, तो आपको इसमें बहुत ही नॉर्मली आप देखना इसमें आपको 2 points जरूर पूछे हुए होते हैं, है ना, तो आपको जो है बताना है कि वो ग्रेडेड ट्रेट है और what is polygenic inheritance, ये भी आपको बताना, तो आपको देखना है कि पूछा क्या गया है, आंसर करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, देन यू आंसर। और ये क्वेश्चन जो मैं कहूंगी ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका आता है सेक्शन बी चल रहा है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 to क्वेश्चन नंबर 30। अब ये सेक्शन पहले बहुत बड़ा और लेंदी हुआ करता था जो कि सीबीएसई ने इस उसको क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, और बहुत ही आपका एक लॉजिकल बहुत अच्छा पेपर आता है
और आपके ये क्वेश्चन क्या होते हैं 3 मार्क्स के। अब इन जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, इसमें जहां कहीं भी डायग्राम के बना है छोटा सा भी, आप जरूर डायग्राम बनाइए, उसको लेबल करिए। ये सेक्शन थोड़ा, ये आप तो सिर्फ आपके पास में 5 क्वेश्चन बचे हैं, पहले ये सेक्शन बहुत लंबा होता था, इसको करने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब ये छोटा हो गया है और हर क्वेश्चन के बाद में आपको जगह छोड़नी है, पॉइंट में आंसर लिखना है और डायग्राम जरूर बनाए, इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, लेकिन आपको आंसर पिन पॉइंट ही करना है। लास्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 आपके कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स के। तो आपके आपके पास में दिस इज, ये क्वेश्चन आ गए आपके क्या 5 मार्क्स। 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आए? 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको इसमें एक लंबा सा एसे नहीं लिखना है। आप देखो वो क्वेश्चन आपका नॉर्मली पार्ट्स में होता है, तो आपको हर पार्ट का आंसर अलग अलग देना है। एंड डायग्राम इज मैंडेटरी, बहुत मैंडेटरी है, जरूर जरूर आप उस डायग्राम को बनाए, फाइन। चलिए अब ये तो हमने आपके सिलेबस की बात कर ली, आपके क्वेश्चन पेपर की बात कर ली, अब हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू लुक फॉर, इतना सब तैयारी करने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? अगर आपने अभी भी, बार बार मैं आपसे कह रही हूं, अगर आप अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यू कैन सेव योर सेल्फ स्टिल, आज भी आप अपने को सेफ साइड में रख सकते हैं एंड यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। सबसे पहला क्या है कि नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट टिप्स टू गेट 100% मार्क्स। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बता रही हूँ कि आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये सारी टिप्स आप फॉलो करना और जब आप बोर्ड एग्जाम दे देंगे तो मुझे जरूर कमेंट करना आप, फाइन। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टिप्स बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू सेट योर टारगेट। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ, जब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ, आपको कितने नंबर चाहिए अपनी बुक के पीछे लिख दो, लास्ट पेज में आप अपना एक टारगेट सेट कर लो कि आई हैव टू गेट दिस, उस टारगेट के लिए मुझे काम करना है, अगर मेरे पास टारगेट नहीं है तो आई कैन नॉट वर्क। सो यू हैव टू सेट योर टारगेट योर सेल्फ, खुद आपको अपना एक टारगेट सेट करना है, ठीक है। अगर आप 100% चाहते हैं तो गिव योर 100%, इफ यू वॉन्ट 40% गिव योर 40%, बट आप अपना, मैं 40 कभी नहीं कहूंगी, आप अपना टारगेट 90+ रखिए, ठीक है। सेकेंडली यूटिलाइज योर टाइम, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है। यू यूटिलाइज योर टाइम वाइजली, ठीक है। आपको अपना क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे वाइजली, बहुत आपको ईमानदारी से टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू डू वाइजली। ये सारी मोह माया आप छोड़ दो, अब अपना यू गिव अप एवरीथिंग ऑल सोशल मीडिया फॉर सम टाइम, आई नेवर रिग्रेट फॉर दिस। कभी ये मत सोचो कि हाय मैंने ये छोड़ दिया, मेरे साथ मैं अपने सारे फ्रेंड्स से डिसकनेक्ट हो गया हूँ, नो, लीव ऑल दिस, सब छोड़ दो और व्हेन यू विल गेट अ गुड रिजल्ट यू विल बी हैप्पी, फाइन। तो उस समय देन यू कैन गो बैक टू ऑल द सिस्टम। तो आप क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत वाइजली करना है और यू हैव टू स्टडी बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी। आपको प्रायोरिटी, दिस इज, यू हैव टू वर्क बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी। आपको देखना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है व्हेन यू आर स्टडिंग,
विच सब्जेक्ट इज माई प्रायोरिटी, विच टॉपिक इज माई प्रायोरिटी, है ना। नेवर डू मल्टी टास्किंग, कभी भी मल्टी टास्किंग नहीं करनी है। नो मल्टी टास्किंग, आई होप यू अंडरस्टैंड मल्टी टास्किंग। आपको मल्टी टास्किंग नहीं करनी है कि चलिए मैंने आज अपना एक टाइम टेबल बना लिया और मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर 1 घंटा मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, आधा घंटा मुझे बायोलॉजी पढ़ना है। नहीं, क्योंकि आपने क्या करा है, आप टाइम ने आपको फिक्स कर दिया कि अच्छा अब मैंने 9 o'clock से 11 o'clock तक पढ़ा, लेट मी स्विच टू अदर सब्जेक्ट। तो क्या होगा, आपको कुछ भी सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। यू स्टार्ट अ लेसन ऑफ वन सब्जेक्ट, कंप्लीट दैट। ऐसा आप कर सकते हो कि एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ में अपने को लाइट रखने के लिए एक थोड़ा लाइट सब्जेक्ट रख लो, ठीक है। तो जो आप एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपको वो चैप्टर पूरा करना है, ठीक है। वो चैप्टर आपको क्या करना है, पूरा करना है, और पूरा करने के बाद उसको रिवाइज करना है। आज आपने एक चैप्टर अच्छे से पूरा कर लिया, उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए, प्रॉपर उसका हैंड आउट बना दिया, अब आपने उसको क्या करा, यू शुड हैव सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने उसको उस चैप्टर को पूरा कर लिया है, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी है। एंड सेकेंड थिंग दिस, अगर आप कहीं स्ट्रक हो जाओ, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसके ऊपर स्ट्रक एकदम वहीं मत रुक जाओ। आपने 2 घंटे 4 घंटे उसी के ऊपर खर्च कर दिए कि मुझे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा, तो जस्ट एस्केप, आप उस टॉपिक को उस समय छोड़ दो, बाद में उसको दोबारा पढ़ो। यू टेक हेल्प ऑफ योर टीचर, योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो एस्केप फ्रॉम गेटिंग व्हाट स्ट्रक। तो आपको क्या करना है कि जो आपका डिफिकल्ट टॉपिक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, दिस इज एस्केप फ्रॉम गेटिंग व्हाट स्ट्रक। अगर आप कहीं पर क्या हो गए हैं, फंस गए हैं, समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आप उस टॉपिक को थोड़े समय के लिए छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप उसको हमेशा के लिए छोड़ दो, आप उसको डू इट लेटर, आप बाद में उसको कर सकते हैं, आप उस किसी की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या करना है कि बहुत सारे देखो, जब आपने एक चैप्टर तैयार करा, जब आप चैप्टर आपने आज तैयार करा, तो आपको उसमें 4 दिन लगे, सेकेंड टाइम तो आप 4 दिन उसमें नहीं लगा सकते। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एक चैप्टर की, ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी हार्ड वर्ड हैं, ये हार्ड वर्ड्स, इसके आपको क्या करने हैं, मीनिंग लिख लेने हैं अपनी बुक में। हार्ड वर्ड्स के आपको क्या करने हैं, मीनिंग कर लेने हैं, ठीक है। फिर आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको क्या कर लिया, आपने अंडरलाइन कर लिया, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन कर दिया। यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्या आपको यूज करनी है, एग्जाम्पलर यूज करनी है, दिस इज एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको पता है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप यूज करिए, ठीक है। और आप डिफिकल्ट टॉपिक के क्या बना के रखो, फ्लो चार्ट ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक, किसी जो भी आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट टॉपिक, आप उसका क्या तैयार करके रख लो, एक फ्लो चार्ट तैयार करके रख लो, जिससे कि आपको दोबारा से फिर वो पैराग्राफ पढ़ना ना पड़े। फाइन, क्या करना है, चैप्टर में आपको हार्ड वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करने हैं, सारे एनसीईआरटी को रीड करना है, उसके क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं, डिफिकल्ट टॉपिक के क्या बना के रखने हैं आपको, फ्लो चार्ट। इस तरीके से आप बायोलॉजी में एक चैप्टर तैयार करेंगे, ठीक है। और जो साथ साथ जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं
उसका क्वेश्चन मार्क बनाना है. यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. आपको क्या करना है, यू कैन वर्क आउट कि कौन सा इसमें पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है. इसके ऊपर क्वेश्चन आपको तैयार करना है. ये आपकी बहुत जरूरी चीजें हैं किसी एक टॉपिक को तैयार करने के लिए. फाइन. अच्छा, अब आपने, मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी. जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो क्या करेंगे, किस कोई भी आंसर आपको एग्जाम में लिखना है, इसके लिए आपको क्या करना है. डायरेक्ट आप एग्जाम दोगे, अभी तक बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, इस साल ऑफलाइन आपको एग्जाम देना होगा, है ना. तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस अलॉट, राइटिंग की प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, बहुत ज्यादा करनी है आपको. यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. अपने सारे स्कूल के आप एग्जाम दीजिए, आप मॉक टेस्ट करो एंड फाइंड आउट योर मिस्टेक. आप क्या करो, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देने होंगे. यू कैन गिव चैप्टर वाइज, यू कैन गिव यूनिट वाइज, यू कैन यूज इन द एंड, यू कैन गिव अ टेस्ट फॉर होल सिलेबस. और आपकी सबसे जरूरी चीज है फाइंड आउट योर मिस्टेक. फाइंड आउट योर मिस्टेक्स. जितनी आपको अपनी गलतियां पता चले उतना ज्यादा जरूरी है. आप अपने मॉक टेस्ट करके अपने टीचर से चेक कराइए और उनको मार्क्स के लिए डिस्कस नहीं करो, उनसे पूछो मुझे मेरी गलतियां बताओ. तो जितनी आप अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगे आपको, यू हैव टाइम टू करेक्ट योर मिस्टेक्स. दैट इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. अब लास्ट ऑफ ऑल, जब आप एग्जाम का पेपर देखो, जो हम प्रैक्टिस करते हैं वही हम करते हैं. तो जो आप ये सारी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी कर रहे हैं, तो आप यू लर्न हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ. आप सोचो कि जो आपका एग्जामिनर है वो एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता, और आपको अपना जो पेपर लिखना है वो ऐसे लिखना है कि उसको एग्जामिनर को पढ़ते ही सारी बात समझ में आ जाए. यू हैव टू मेक अदर पर्सन अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ योर लैंग्वेज. आपको अपने लिखने के तरीके से दूसरे को समझा देना है. तो उसके लिए आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. और आपका प्रेजेंटेशन के लिए जो आप एग्जाम में आपका रिप्रेजेंटेशन है, ये कैसा होना चाहिए, आप कैसे अपने को प्रेजेंट करेंगे. आप सारे आंसर्स हमेशा पैराग्राफ में लिखने के बदले कैसे लिखेंगे, पॉइंट में, जो कि पॉइंट और पॉइंट में भी आपको क्या करना है, पॉइंट एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है. जहां पर भी पॉसिबल हो आपको क्या बनानी है, एक फिगर. आपको कोई ड्राइंग नहीं बनानी है, आप एक छोटे से फिगर बना के समझा सकते हैं. सेकेंड, आपका जो कंटेंट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए. हैंडराइटिंग भी क्लियर होनी चाहिए और आपके वर्ड्स भी क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए. देन करेक्ट स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग अगर आपने गलत लिखी तो मीनिंग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. फाइन. फिर से बता रही हूं, आंसर्स पॉइंट में लिखिए, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, फिगर्स बनाओ, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके कंटेंट में और स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए. लीव गैप बिटवीन द आंसर्स. फाइन. इफ टाइम परमिट यू कैन ड्रॉ अ लाइन. और ये सारा आप सिर्फ एग्जाम के दिन सोचें कि मैं अगर सिर्फ ये एग्जाम के दिन करूंगा तो ये बड़ी मुश्किल है. तो आपको ये सब क्या करना है, अपने प्रैक्टिस में लाना है. और ये आप प्रैक्टिस तब कर पाएंगे जब आप अपना सिलेबस रिवाइज कर लेंगे, फिर आप ये सब प्रैक्टिस करिए. और बी कॉन्फिडेंट, और साथ में ये सब तभी कर पाएंगे जब आप क्या हैं, जब आप क्या हैं,
बी पॉजिटिव। मैं ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपको ये सब करने के लिए बहुत पॉजिटिविटी चाहिए। सो गिव लिटिल रेस्ट ऑल्सो टू योर सेल्फ, वेट फॉर माई वीडियो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको देने वाली हूँ, कैसे रिविजन वीडियो चैप्टर वाइज, और आई विल स्टार्ट विद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम ऑर्डर में ABCD मैं आपको रिविजन वीडियो दूंगी। थैंक यू।